नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद पार्टी में जो सियासी तूफान आया था वो अब शांत होता दिख रहा है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सिद्धू ने कहा है कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। पंजाब कांग्रेस में मचा अंदरूनी विवाद कहीं पार्टी को विधानसभा चुनाव में बड़ा डेंट ना दे दे, इसलिए गुरुवार को राहुल गांधी अपने आवास पर खुद सिद्धू से मिले। लंबी मुलाकात के बाद आखिर में सिद्धू जब लौटे तो कह के निकल गए कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। कंसर्न थे, मैंने राहुल जी के साथ वो शेयर किए हैं, सर सामने सामने देखे, वो सब सॉर्ट आउट। इस बयान से लग ये रहा था कि सिद्धू मान गए, क्योंकि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उन्हें ठोस आश्वासन मिला, तभी तो सब कुछ सॉर्ट आउट होने की बात कह रहे हैं। लेकिन पत्रकारों ने जैसे ही ये सवाल पूछा कि क्या वो अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, सिद्धू ने सवाल को अनसुना कर दिया। सर आपके बने रहेंगे अध्यक्ष बने रहेंगे आप सर पद पर बने रहेंगे आपका इस्तीफा नामंजूर हो गया। पत्रकार सवाल पूछते रहे, जवाब मांगते रहे, लेकिन सिद्धू ने साफ और स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हाँ, जाते जाते क्या कहा ये जरूर सुन लीजिए। सर आपके बने रहेंगे अध्यक्ष बने रहेंगे आप सर पद पर बने रहेंगे आपका इस्तीफा नामंजूर हो गया सिद्धू जी। सिद्धू जी जवाब दीजिए। सिद्धू सर, सिद्धू सर, मैं जो कर रहा हूँ आपके सामने। सिद्धू ने पत्रकारों के सवाल को ऐसे मुहाने पर छोड़ दिया जहां से राजनीतिक अटकलों का दौर शुरू होता है। हालांकि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का दावा है कि अध्यक्ष सिद्धू ही रहेंगे। सिद्धू ने कहा कि वो प्रेसिडेंट के रूप में पहले भी काम करते रहे हैं और रैली की है, मार्च किया है, वहां भूख हड़ताल की है और आगे भी मैं प्रेसिडेंट के रूप में अपनी ड्यूटी को पूरा करूंगा। सिद्धू ने जब से कांग्रेस का हाथ थामा है पार्टी में सियासी सियापा बहुत हुआ है। पंजाब में विधानसभा चुनाव सिर्फ चंद महीनों की दूरी पर है, लेकिन कांग्रेस अंदरूनी कला से ही नहीं उबर पा रही और इन तमाम उठापटक के बीच सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, 5 राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव और कांग्रेस संगठन का चुनाव बैठक के मुख्य एजेंडे हैं। और सबसे अहम है कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, जो राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से खाली पड़ा है। कपिल सिब्बल और संदीप दीक्षित जैसे पार्टी के बड़े नेता भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति न होने पर सवाल खड़े कर चुके हैं। माना जा रहा है कि CWC की बैठक में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर किसी तारीख या रूपरेखा को पार्टी नेतृत्व द्वारा अंतिम रूप दिया जा सकता है। कांग्रेस ने 22 जनवरी को CWC की बैठक में अध्यक्ष पद को लेकर फैसला किया था। तय हुआ था कि जून 2021 तक पार्टी का एक निर्वाचित अध्यक्ष होगा, लेकिन COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के चलते 10 मई की CWC बैठक में इसे टाल दिया गया था और अध्यक्ष पद का चुनाव अब तक टलता ही आया है। ABP News आपको रखे आगे।